होला अमिगोस, आई होप आप सभी लोग ठीक हैं और आपके परिवार में सभी लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल सासी ट्रैवलर। तो जैसा कि आप लोगों को पहले ही पता है कि मैं केदारनाथ में हूँ और मैं आज गुफा से नीचे आया हूँ और मैंने रूम बुक किया हुआ था, तो मैं आज रूम में शिफ्ट हो गया हूँ और आज मैं आपको दर्शन कराऊंगा केदारनाथ धाम के, केदारनाथ मंदिर के। तो आप लोग उसके लिए एक्साइटेड होंगे, आई नो दैट, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है जहाँ आने का सबका मन करता है और हर किसी का सपना है यहाँ आना। तो आई थिंक कि मुझे बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो जो है स्टार्ट करना चाहिए। और प्लीज़ शेयर माई चैनल्स वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे से अच्छी वीडियोज़ को बना के आप तक पहुँचा सकूँ। प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं एक नई वीडियो के साथ जो कि है केदारनाथ धाम के बारे में। गाइस, मैं हूँ आज केदारनाथ मंदिर पर और फाइनली मेरा एक सपना था और वो पूरा हुआ, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों का होता है। एंड आज हम यहीं रुकेंगे और यहाँ की जगह को एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद कल हमारा वापसी होगा। कल मैं वापस जाऊंगा यहाँ से ऋषिकेश एंड देन अपने घर वापस। ये है रास्ता जो कि मंदिर की तरफ जाता है और यहाँ टेंट लगे हुए हैं कुछ, जो कि स्टॉल भी हैं और रुकने के लिए भी हैं। ये इधर डॉर्मेट्रीज हैं जो कि एवरी ईयर चेंज होता है कुछ ना कुछ। आज लास्ट वीक है तो भीड़ इतनी नहीं है, इसलिए ये वीडियो जो है आपको नेक्स्ट ईयर भी काम आएगी। शायद कुछ रूल्स चेंज हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि कोविड ना रहे और भोले बाबा की कृपा से ये सब कुछ ठीक हो जाए। ये घोड़े हैं, देखो माल लेके जा रहे हैं, ये सिलेंडर हैं और बाकी कुछ कुछ सामान है। ये यहाँ रुकने के लिए है कुछ जगह और बाकी तो हम अब आगे जा रहे हैं। हमारा रूम ऑलरेडी बुक है तो हम पहले जाएंगे अपने रूम में, वहाँ थोड़ी देर रेस्ट करेंगे एंड देन विल बी बैक टू द टेम्पल। बट उससे पहले मैं एक बार आपको मंदिर ज़रूर दिखा दूँगा जाते समय, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि बाकी सारी चीज़ें क्या हैं। तो ATM भी है यहाँ HDFC का। और हाँ, एक चीज़ और मेन चीज़ जो है नेटवर्क के बारे में, तो यहाँ एयरटेल और आइडिया का नेटवर्क अच्छा चल रहा है और जियो तो चल ही रहा है ठीक ठाक। ये है कुछ बोर्ड लगा हुआ है देखो बाजार के लिए, और ATM है यहीं पर। काफ़ी सर्दी है, हल्की हल्की बर्फ़ जैसी मुझे फील हो रही है, ऊपर से आ रही है वो। हमें जाना है वहाँ, यहाँ पे ये है पुल, इसको क्रॉस करना पड़ेगा हमें, जो कि रिवर के ऊपर से बना हुआ है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये मेरा फर्स्ट वीडियो होगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, और मैं चाहता था कि मैं अपने चैनल की स्टार्टिंग जो है, शुरुआत जो है, वो एक ऐसी जगह से करूं जो कि काफ़ी लोगों का ड्रीम प्लेस होता है। इसलिए ये सरस्वती नदी और वहाँ से आ रही है
मंदाकिनी नदी। तो अभी हम जा रहे हैं सरस्वती नदी के ऊपर से, एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे अपने स्टे की तरफ। तो गाइज ये है एक छोटा सा हॉस्पिटल या फिर मेडिकल रूम बोल सकते हैं, जो कि यहाँ केदारनाथ में एंट्री करते ही है। ऊपर आप चढ़ोगे तो आपको ये राइट हैंड साइड पे सीधे हाथ की तरफ पे मिलेगा। केदारनाथ मंदिर की तरफ जाने वाला सीधा रास्ता, और सामने जो है हम देख सकते हैं मंदिर है। और थोड़ी देर में आरती होगी, तो हम जो है आरती का आनंद लेंगे। और मैं आपके लिए आगे आरती दिखाने वाला हूँ, तो बी देयर एंड बी प्रिपेयर। ये आपने देखा आरती केदारनाथ धाम की, जो कि हर शाम 6:30 बजे होती है। आइए अब आगे चलते हैं। और गाइस मैं दिखाता हूँ आपको केदारनाथ मंदिर का व्यू रात में। ये है मंदिर, कपाट अभी बंद हो चुके हैं। मैं आपको पूरा मंदिर का आगे पीछे का एरिया और पूरे मंदिर की एक परिक्रमा लेकर दिखा देता हूँ।
नहीं देखा है इसको, मैं देखा है, इसको बोल रही है। ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि अभी मंदिर बंद है और अभी थोड़ी देर पहले बर्फ़बारी भी हुई है, तो इसलिए ज़्यादा लोग हैं नहीं यहाँ पे। ये मंदिर का जो पीछे वाला हिस्सा है वो है, और रात में क्या है कि जब लाइट्स मंदिर पे पड़ती हैं तो जो मंदिर की सुंदरता है ना, तो उसमें चार चांद लग जाते हैं। ये है मंदिर का मेन हिस्सा जहाँ पर भगवान जी विराजते हैं। ये परिक्रमा मार्ग है, यहाँ पर परिक्रमा करते हैं सब। और यहाँ ऊपर हैं भीमशिला, जिनकी वजह से आज हम मंदिर को देख पा रहे हैं यहाँ पे सही सलामत। और कुछ ये मूर्तियाँ हैं, अभी बर्फ़ पड़ी थी तो सब आइस है, यहाँ पे सब वाइट वाइट हो गया। और ये है पीछे से मंदिर का हिस्सा, और ये लाइट्स लगे हुए हैं मंदिर को हाईलाइट करने के लिए। बहुत ज़्यादा सर्दी है और जो माहौल है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो गया है। ये मंदिर का जो है एग्ज़िट है जहाँ से हम लोगों को बाहर आना होता है मंदिर से। अभी कपाट बंद हैं और थोड़े बहुत लोग हैं यहाँ, काफ़ी ठंड है यहाँ, मुझे भी ठंड लग रही है। और हम यहाँ घूम कर आ गए वापस मंदिर के सामने। आपको साइड से एक व्यू देता हूँ, कुछ ऐसा दिखता है मंदिर। आई थिंक ये व्यू बेस्ट है। तो जब कभी भी मौका मिले तो आप भी आना और बाबा केदारनाथ के दर्शन करना। जय केदारनाथ बाबा, जय शिव शंकर।